नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब पूरे ही देश भर में राजनीति की दुनिया में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अब विपक्ष कई बड़े अहम फैसले लेते हुए भी दिखाई दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस वक्त निशाने पर इस वजह से भी बना हुआ है कि जिस तरीके से कांग्रेस की यहां पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं ईडी ने। जी हां, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से, और ऐसे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ईडी ने हाल ही में नेशनल हेराल्ड केस के मामले में कई जगह पर छापेमारी की है, और अब नेशनल हेराल्ड जो अखबार का जो ऑफिस है वह भी सील कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो अब सोनिया गांधी की मुश्किल जिस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं उनका सहारा बनती हुई अब देखी जा रही है TMC की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हां, ममता बनर्जी को लेकर लगातार कई बड़ी खबरें आ रही हैं। दावा अब ये किया जा रहा है कि इन मुश्किलों के बीच, इन विवादों के बीच अब ममता बनर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकती हैं। जी हां, दिल्ली दौरे पर आज ममता बनर्जी हो सकती हैं और अब वह द्रौपदी मुर्मू से जल्द ही मुलाकात कर सकती हैं। हाल ही में जो खबर आई है उसके मुताबिक ये बड़ा दावा किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं इस पूरी ही खबर के बारे में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार भिड़ंत देखने को मिल रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त काफी बड़े विवाद का सामना कर रही है। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। दरअसल ये विवाद है नेशनल हेराल्ड केस का, जिसके चलते गांधी परिवार तमाम दिक्कतों का सामना कर रहा है और इसी वजह से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच एनडीए की उम्मीदवार भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कई अहम फैसले ले रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार लगातार निशाने पर बनी हुई है जो कांग्रेस के साथ हो रहा है उसके चलते। इसी बीच TMC की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुँची है। 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है ममता बनर्जी। 8 अगस्त तक वह दिल्ली में रहने वाली है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वह मुलाकात करेंगी। जी हां, इस मुलाकात को लेकर अब दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक दलों के नेताओं से भी वह मिलने का कार्यक्रम बना सकती है। दरअसल आपको बता दें, कहा जा रहा है कि वह संसद भवन जा सकती है, लेकिन इस मुलाकात के मायने भी काफी निकलते हैं। दरअसल आपको बता दें, सोनिया गांधी से वह मिलने के लिए जा सकती हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ ये कहा गया है कि नीति आयोग की जो बैठक होने वाली है उस बैठक का वह हिस्सा होंगी और ममता बनर्जी कई मौकों पर ऐसी बैठकों में अनुपस्थित रही हैं। आरोप लगाया गया था कि नीति आयोग कोई वित्तीय शक्ति नहीं, ये राज्य की योजनाओं को मदद नहीं करता, और ममता बनर्जी अब दिल्ली पहुँचेंगी। और सूत्रों की माने ये दावा किया जा रहा है कि पार्टी सूत्रों ने बताया है कि ममता बनर्जी दिल्ली दौरे से TMC के सांसदों का मनोबल बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो ममता बनर्जी अहम फैसले भी ले सकती हैं। फिलहाल देखा जाए द्रौपदी मुर्मू से ममता बनर्जी क्या सिर्फ वाकई में शिष्टाचार भेंट करेंगी या फिर वह राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात रख सकती हैं। राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू से वह अब राष्ट्रपति बन जाने के बाद पहली बार मुलाकात करने वाली है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।